हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे, चंगे होगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो है एक रिव्यू वीडियो। आज मैं करने वाली हूँ VLCC का इंडियन बेरी बेरी फेस स्क्रब का रिव्यू। तो गाइज, मैं आज आपको इसका हॉनेस्ट रिव्यू दूंगी कि ये किस तरह से काम करता है और इसके क्या क्या इफेक्ट हैं। तो गाइज, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये है ऑल स्किन टाइप्स, रिमूव ब्लैक हेड्स एंड रिज्यूमिनेट्स स्किन, ये सारी चीज़ें ये स्क्रब करता है। तो गाइज, मैं बता दूं कि ये स्क्रब वैसे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका प्लस और माइनस पॉइंट मैं आगे बताती हूँ। पहले मैं बात कर लेती हूँ इंग्रेडिएंट की, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये एक हर्बल प्रोडक्ट है, इसमें कोई पैराबिन नहीं है, और साथ में इसको अप्लाई करने का जो विधि है वो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि कितने मिनट आपको मसाज करना है और किस तरह से अप्लाई करना है। और एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने नोट दिया हुआ है कि अगर इसका जो क्रीम है कुछ दिनों बाद चेंज हो जाए तो आप बिल्कुल मत डरो, क्योंकि ये तब भी इफेक्टिव होगा, आप ये मत समझो कि ये ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। साथ में अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये 100 ग्राम का है, और इसकी MRP रेट की बात करें तो ये जो है MRP रेट इन्होंने यहाँ दिया हुआ है ये है 250 का, जो कि ठीक ही ठाक है, बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है और ठीक ठाक है प्राइस। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये किस स्किन के लिए ज़्यादा बेटर है। यहाँ तो इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये ऑल स्किन टाइप्स है, लेकिन मैं आपको इसका प्लस पॉइंट भी बताती हूँ और माइनस पॉइंट भी। ये जो ड्राई स्किन वालों के लिए ये जो है ना क्रीम, ये बहुत अच्छी है ड्राई स्किन वालों के लिए, इसलिए है कि ये क्रीमी टेक्स्चर है। अगर आप इसको चेहरे पर अप्लाई करते हो तो आपको एक क्रीमी टाइप का वो एहसास होगा, यानी कि ये बहुत ही अच्छी और स्मूथ क्रीम है जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए है। जब आप इसको अप्लाई करते हो और वॉश करते हो तो आपको क्रीमी क्रीमी सा लगता है, लेकिन अगर ये अगर ऑयली स्किन वाले करते हैं तो उनके लिए ये मुझे नहीं लगता कि ठीक है, क्योंकि ऑयली स्किन वाले जब इसे यूज करेंगे और फिर चेहरे पर हल्का भी धोने के बाद ऑयल ऑयल सा लगेगा तो वो मुझे नहीं लगता कि ठीक रहेगा। तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, हाँ ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। और ये ब्लैक हेड्स जो लिखा हुआ है कि रिमूव करता है और रिज्यूमेट स्किन करता है, तो हाँ छोटे छोटे अगर आपके चेहरे पे ब्लैक हेड्स हैं तो ठीक करता है। पर जो इसका जो क्रीम है, मैं आप लोगों को दिखा दूं तो ये जो क्रीम है बहुत ही स्मूथ क्रीम है, लगता नहीं है कि ये स्क्रब, इसमें बहुत ही छोटे छोटे से दाने हैं जो कि आपके चेहरे पे काम तो करता है, लेकिन पूरी तरह से अगर कहा जाए तो स्क्रबिंग का काम नहीं करता है। अगर मेकअप रिमूव के लिए ये बहुत ही अच्छा क्रीम है, अगर आप मेकअप रिमूव करते हो तो उसके लिए अच्छा है, या रोज डेली पर्पस से आप इसको यूज करते हो तो बहुत ही अच्छा। तो ये डेली पर्पस के लिए तो ठीक है कि डेली आप अपने चेहरे को साफ कर रहे हो और मेकअप रिमूव कर रहे हो तो उसके लिए ठीक है, बट अगर ब्लैक हेड्स बड़े बड़े हैं आपके और उनको आप चाहते हो कि इससे निकाल लें तो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके जो क्रीम है वो बहुत ही स्मूथ है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि ये स्क्रब ठीक है, बट इतना भी इफेक्टिव नहीं है कि आपको मतलब एक परफेक्ट जो कहा जाए वो रिस्पॉन्स इससे मिले, तो वो मैं नहीं कहूँगी कि ये है। तो गाइज, अगर वीडियो में कुछ भी आप लोग को अच्छा लगता है, मेरा ये रिव्यू जो मैंने हॉनेस्ट रिव्यू आप लोग के साथ शेयर किया, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। तो चलिए गाइज, मैं आज आप लोगों के साथ ये रिव्यू शेयर की हूँ और आने वाले वीडियो में भी कुछ इस तरह की रिव्यू लेके आऊँगी। तो चलिए गाइज, अभी के लिए बाय बाय।